दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर एक बड़ी खबर है। यहाँ पर केंद्र सरकार के पत्र से एम्स निर्माण की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। शोभन बाईपास पर एम्स बनाने के मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बिहार सरकार को पत्र भेजा गया है, जिसमें बिहार सरकार के लिए कुछ शर्तें लागू हैं। पहली शर्त यह है कि दरभंगा एम्स के लिए बिहार सरकार कोई नई जमीन दे या फिर शोभन बाईपास वाली जमीन पर मिट्टी भराई, चार दीवारें और हाई टेंशन तारें यहाँ पर हटवाए, सड़क चौड़ीकरण, इसके साथ ही बिजली की व्यवस्थाएं करें। और अगर ये तमाम शर्तें बिहार सरकार पूरी कर लेती है तो केंद्र सरकार दरभंगा में एम्स बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। बिहार सरकार केंद्र की शर्तों को पूरा करने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार जल्द ही यहाँ पर जवाब भेजे। फोर लेन सड़क शोभन से लेके और वहां तक बन जाएगा, कोशिश होगा कि रेजा सड़क तक बन जाए जो आने में दिक्कत नहीं हो, और मिट्टी पूरा भर करके जो जो उनका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मिट्टी भर के चार दीवाली करके दे दिया जाए। क्या उम्मीद है कि जल्द से जल्द शिलान्यास? बिल्कुल उम्मीद है कि जल्द से जल्द शिलान्यास होगा, और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये सब जनरेशन के लिए होता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे जो प्रचार है वो खत्म हो चुके हैं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर अब वोट कल डाले जाएंगे। करणपुर सीट पर